हेलो नमस्कार, मैं नमर चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के विधायक हैं, इनने बोला है कि हम सदन में अतिथि शिक्षकों की मांग को उठाएंगे और कमलनाथ जी भी अतिथि शिक्षकों की मांग को उठाएंगे और अतिथि शिक्षकों को नियमित करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने वाली थी लेकिन सरकार किसी कारणवश गिर गई। तो इन्होंने बोला फिर से सदन में अतिथि शिक्षकों की मांग को उठाएंगे और नियमितीकरण करवाएंगे। और सरकार से भी इनने आग्रह किया है कि इनके अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ क्या कहना है मंत्री जी का। आप वीडियो बने, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं जिला शिक्षक संघ अतिथि शिक्षक 15 वर्ष से मध्य प्रदेश में कार्यरत है। आठ राज्यों ने अपने अतिथि शिक्षकों को नियमित कर लिया है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया है, जिससे भारी रोष प्राप्त हुआ है। यदि उनमें हमारी जवाबी परीक्षा नहीं की सड़कों को कर जाएंगे। सिंधिया जी शिक्षकों के हक में कहा था कि मैं आपसे चलवार करूँगा लेकिन आपकी भाषा है। इन बच्चों इन लोगों के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, हम कहाँ जाएंगे साहब बताओ। 15 वर्ष जीवन का कीमती समय हमने मध्य प्रदेश के बच्चों को दिया है, हमारे सपनों को सपना पूर्ण कर दिया गया है। अब आपको बहुत सर की बाइक ले लो एक। हेलो, आज मध्य प्रदेश की पृथ्वी पर विधानसभा से ये पृथ्वी पर वही विधानसभा जहां से हमारे